भारत के LCA तेजस जिसके तेज से चिलमिला रही है चीन और पाकिस्तान की आंखें, तेजस में लगने वाले हैं कुछ फ्यूचर वेपन्स, वायुसेना ने किया ADA से समझौता। चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक अन्य देश ने भारत से मदद के रूप में मांगी तेजस, और क्यों आज लगभग 20 साल पहले की एक आर्टिकल के आधार पर यह कहा जा रहा है कि चीन और भारत ने LCA तेजस को एक साथ डेवलप करने के लिए विचार किया था। दोस्तों, LCA तेजस यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तेजस जो भारत का एक हल्का फाइटर जेट है, इसके बारे में बहुत से लोगों का यह मानना है कि 20 साल पहले इसे एक साथ डेवलप करने के लिए भारत और चीन ने विचार किया था। कई लोगों का तो यहां तक मानना है कि इसे चीन और भारत ने ही एक साथ मिलकर डेवलप किया है, और इसीलिए आज की खास वीडियो में हम ये जानेंगे कि 20 साल पहले की उस आर्टिकल का पूरा मामला क्या है, क्या वाकई LCA प्रोजेक्ट पर भारत और चीन ने एक साथ काम करने का विचार किया था। इसके अलावा हम वीडियो में ये भी जानेंगे कि LCA तेजस में कौन से फ्यूचर वेपन्स लगने वाले हैं और कौन सा देश चीन से सुरक्षा और उसके हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत से मदद के रूप में तेजस की मांग कर रहा है। दोस्तों, अगर आप भी तेजस से जुड़ी ये जानकारियां जानना चाहते हैं तो यकीनन ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसीलिए इसे बिना स्किप किए हुए अंत तक अवश्य देखें। और आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियोस चैनल पर अपलोड होते ही आपको समय से मिल जाया करे और आपको वीडियो ढूंढने में अपना वक्त जाया न करना पड़े। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तेजस से जुड़ी जानकारियों के बारे में। दोस्तों, मौजूदा समय में भारत कई फाइटर जेट्स और वेपन्स को मॉडिफाई करने के साथ साथ फ्यूचर वेपन्स को डेवलप करने में जुटा हुआ है, और इसी बीच LCA तेजस प्रोग्राम के इतिहास के कुछ पन्ने फिर से खुल गए हैं, जिसके आधार पर कई लोगों का ये मानना है कि 2004 में भारत और चीन ने एक साथ मिलकर तेजस को डेवलप करने का विचार किया था, जबकि कई लोगों का तो यहां तक मानना है कि इस चीन और भारत ने लगभग साथ मिलकर ही इसे डेवलप किया था। ऐसे में जब ये बात उठी है तो ये जानना जरूरी है कि आखिर सच क्या है। तो आइए इस सच को जानते हैं। क्या 2004 में भारत और चीन ने एक साथ मिलकर LCA प्रोजेक्ट को डेवलप किया था या इसे डेवलप करने पर विचार किया था? दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि यह बात यूं ही नहीं उठी है। जी हां, दरअसल अभी इंटरनेट पर एक आर्टिकल काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसका हेडिंग है चीन इंडिया डिस्कस LCA प्रोजेक्ट। और बता दें कि यह आर्टिकल जुलाई 2004 का है, जिससे पता चलता है कि चीन के एविएशन इंडस्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट जांग यांग चोंग के लीडरशिप में एक हाई लेवल डेलीगेशन ने LCA के ज्वाइंट डेवलपमेंट का पता लगाने के लिए भारत का दौरा किया था। और बता दें कि इस आर्टिकल से ये मालूम पड़ता है कि चीन और भारत LCA पर सहयोग करने के लिए चर्चा कर रहे थे। दोस्तों, भले ही आज ये खबर चौंकाने वाली हो, लेकिन इसके पीछे की वजह ये है कि आज से 20 साल पहले चीन और भारत के बीच की परिस्थितियां आज से अलग थी। आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इस आर्टिकल को देखा जाए तो यकीनन ये आर्टिकल ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई भारत चीन एक साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले थे। बता दें कि उस वक्त LCA प्रोजेक्ट की बढ़ती लागत को देखते हुए भारत को इस प्रोजेक्ट के लिए किसी पार्टनर की तलाश थी, लेकिन स्वीडन के साब और ब्रिटिश एरोस्पेस जैसे वेस्टर्न मैन्युफैक्चरर्स के सहयोग करने के बावजूद भी उस वक्त ये प्रोजेक्ट असफल साबित हुआ था, जबकि दूसरी ओर LCA की क्षमताओं का आकलन कर चीन ने भारत के समक्ष कुछ पॉसिबल प्रपोजल्स रखे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं चीन को भी अपने कुछ फाइटर जेट्स की जगह तेजस जैसे फाइटर जेट की जरूरत थी। और दोस्तों, इससे ये भी साबित होता है कि आज से 20 साल पहले भी तेजस चीन जैसे देश के लिए कितना इंपॉर्टेंट फाइटर जेट था। दोस्तों, इस आर्टिकल के वायरल होने के बाद लोग दो तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक ओर लोगों का ये मानना है कि अगर ये प्रोजेक्ट भारत और चीन साथ मिलकर डेवलप करते तो आज भारत और चीन के रिश्ते भी उसी हिसाब से होते, जबकि दूसरी ओर ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि ठीक ही हुआ कि ये प्रोजेक्ट चीन के साथ मिलकर डेवलप नहीं किया गया, क्योंकि चीन उन देशों में से है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, ये तो रही 20 साल पहले की बात। आइए अब ये जानते हैं कि वो कौन सा देश है जो चीन से अपनी सुरक्षा और चीन की तरफ से होने वाले हमले के जवाब के लिए भारत से तेजस लेने वाला है। किस देश को है भारत के तेजस की जरूरत? दोस्तों, चीन से परेशान देश की सूची लंबी है। दूसरी ओर बीते कुछ सालों में आपदाओं और युद्ध के माहौल में भारत के मददगार रवैये से भी पूरी दुनिया परिचित हुई है, और यही वजह है कि सालों से चीन से परेशान फिलीपींस भी,
अपने तटों की सुरक्षा के लिए भारत के तेजस फाइटर जेट में इंटरेस्ट ले रही है। बता दें कि फिलीपींस तेजस के अलावा दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस में भी अपनी रुचि दिखा रहा है। दोस्तों, फिलीपींस काफी छोटा देश है। जी हाँ, इस देश की आबादी महाराष्ट्र की आबादी से थोड़ा सी ही ज्यादा है। 3,43,448 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला फिलीपींस दक्षिणी चीन सागर में छोटे छोटे 7,641 आइलैंड्स का एक समूह है। ये अपनी समुद्री सीमा पलाव, ताइवान, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और चीन के साथ शेयर करता है और फिलहाल ये चीन से परेशान है। इसीलिए कुछ खबरों के अनुसार ये कहा जा रहा है कि फिलीपींस की आर्मी फिलीपींस के तटों पर एंटी शिप और लैंड अटैक ब्रह्मोस मिसाइल को तैनात करने पर विचार कर रही है। बता दें कि पहले से ही फिलीपींस की मरीन कॉर्प्स ने एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइल की 3 बैटरी खरीद रखी है और अब वो भारत के तेजस फाइटर जेट को लेने का विचार कर रहा है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फिलीपींस को 10 से 15 फाइटर जेट्स की जरूरत है। इसके साथ ही वो उससे दागे जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल को भी लेना चाहता है और अगर ऐसे में भारत फिलीपींस के बीच ये डील पक्की हो गई तो निश्चित ही इस छोटे से देश से भी चीन की परेशानी बढ़ जाएगी। दोस्तों, तेजस एक बहुत ही ताकतवर और खास फाइटर जेट है, लेकिन कुछ लोगों को इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है और इसीलिए उन्हें ये समझ नहीं आता कि आखिर फिलीपींस भारत के तेजस में क्यों इंटरेस्ट ले रहा है। तो बता दूं कि दोस्तों, तेजस का आकार छोटा है, इसीलिए इस समय दुनिया का कोई भी रडार सिस्टम इसे फाइटर जेट की श्रेणी में नहीं रखता है। इसका मतलब ये है कि ये दुश्मनों के पकड़ में नहीं आएगा। इसके अलावा ये क्लोज एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन में काफी मददगार साबित होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों फिलीपींस तेजस में इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है। आइए अब ये जानते हैं कि तेजस में कौन से फ्यूचर वेपन्स लगने वाले हैं। दोस्तों, इंडियन एयर फोर्स और एडीए यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ हुए डील के तहत तेजस में फ्यूचर वेपन्स और सेंसर को लगाने की योजना है और बता दें कि इसके लिए अस्त्र MK-3 मिसाइल का ट्रायल हो रहा है। ये एयर टू एयर मार करने वाली बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है जिसकी रेंज 350 किलोमीटर है। ये मिसाइल 557 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 66,000 फीट की ऊंचाई पर जा सकती है। बता दें कि ये तेजी से दुश्मन टारगेट की तरफ हमला करती है। इसमें रैमजेट इंजन लगा है। दोस्तों, अस्त्र MK-3 के अतिरिक्त तेजस के लिए टारा यानी कि टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन को भी डेवलप किया जा रहा है। दोस्तों, ये एक गाइडेड हथियार है जिसकी रेंज 50 से 100 किलोमीटर है। इसमें हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड लगाया जाता है जो 250 kg, 450 kg और 500 kg तक के होते हैं। टारा के अलावा NASAMS-MR यानी कि नेवल एंटी शिप मिसाइल जिसकी रेंज 250 से 325 किलोमीटर होगी, उसे डेवलप किया जा रहा है। दोस्तों, इसकी स्पीड 864 किलोमीटर पर आवर होने वाली है। बता दें कि ये एक मीडियम रेंज की मिसाइल होगी और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तेजस रुद्रम मिसाइल को भी लगाने की योजना में है। बता दें कि रुद्रम के 3 वेरिएंट हैं, रुद्रम 1, रुद्रम 2 और रुद्रम 3। दोस्तों, तीनों की लंबाई 18 फीट और वजन अलग अलग है। ये मिसाइल इंडियन एयर फोर्स की ताकतवर, सटीक और तेज गति की एयर टू सरफेस पर मार करने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइल है। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से पहले से ही खतरनाक तेजस को और खतरनाक बनाए जाने पर काम किया जा रहा है और यही कुछ वजह भी है कि फिलीपींस भारत के तेजस में इंटरेस्ट दिखा रहा है। कुल मिलाकर भारत के तेजस से चीन की चिंता यकीनन बढ़ गई होगी। तो दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।